पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रयागराज में पिछले एक हफ्ते से देश प्रेम से प्रेरित कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में 15 अगस्त के दिन सिविल लाइंस में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन कार्तिकेय शर्मा के हॉस्पिटल गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में भी ध्वजारोहण किया गया और सलामी दी गई। इस मौके पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने राष्ट्रगान गाया और देश के वीर क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर हर शख्स देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे तो आधी से ज्यादा परेशानी खुद ही खत्म हो जाएगी। सर पर और कुछ अधिक नहीं कहना है। डॉक्टर शर्मा का जितना यहाँ इसमें प्रयत्न है और जितना इन्होंने श्रम किया वो सब आप जानते ही हैं, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ, और हम लोग भी जो भी सहयोग हम लोगों से होगा सदैव इससे जुड़े हैं। जो जिस हैं जिस भी रोल में है अपना कर्तव्य ठीक से हम लोग करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो हमारे देश के लिए समाज के लिए हित में ना हो, बस यही सच्ची देशभक्ति मेरी समझ से इससे अधिक। और कार्तिकेय शर्मा जी को एक बात बधाई कि उन्होंने ये अस्पताल को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सब चलाते आ रहे हैं। और मैं इस संस्था जुड़ा था शुरू में, मैं ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड के वजह से तो मैं नहीं आ सकता, लेकर भी बड़ा धन्यवाद है कि मुझे यहाँ इन्वाइट किया, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक है।